राम राम दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे पास है ओप्पो F11। इसका FRP वापस करेंगे बिना कंप्यूटर के, वेरी इजी ट्रिक है। तो इसका मॉडल नंबर कैसे जानेंगे, CPH 1911 है, और एंड्रॉयड वर्जन कैसे जानेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन है 12। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अगर आपका फ़ोन लॉक लगा हो तो इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आएगा, और लॉक रीसेट कैसे होगा ये तो आपको पता ही होगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन करके दबा के और पावर की दबा के आपका रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा इंग्लिश में जाके, तो अपना वाइप डाटा कर लेना, ठीक है। तो इमरजेंसी कॉल में जाना है आपको, चेक कैसे करना है, *#899# डायल करना है। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि CPH हमारा 1911 है, एंड्रॉयड वर्जन हमारा 11 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम टिक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्किप कर रहे हैं तो देखो टू प्रोटेक्ट योर फोन कनेक्ट टू वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम जो है अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना, फ़ोन तो थोड़ा पुराना है पर ये कि ट्रिक अलग अलग होती है हर किसी को, हर किसी की जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था, इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, *#813# डायल कर लेना, इससे भी हो जाता है, ठीक है। अगर इस मेथड से अगर ना हो तो वो मेथड ही ट्राई करें, ये बहुत इजी मेथड है, इससे ट्राई करोगे तो अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता ठीक है। तो ये हमारा वाईफाई हमारा देखो कनेक्ट हो चुका है, तो कनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वाईफाई जो है ये मांग रहा है, हमारा मांगेगा पासवर्ड मांगेगा या फिर Gmail ID, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। पासवर्ड हमें याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, बैक करते हैं, तो ऐड मैनुअली में जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो माइक का ऑप्शन आएगा देखो कीबोर्ड के बगल में, माइक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डोंट अलाउ पे क्लिक करेंगे, एक बार और करेंगे, डोंट अलाउ पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ओके ये हमारा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। अगर आपको यहाँ से अलाउ का ऑप्शन नहीं आता है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और भी ट्रिक है जिससे आप कर पाओगे, ठीक है, अगर अलाउ का ऑप्शन नहीं आता है तो। और ये वॉल्यूम प्लस माइनस टर्न ऑन करके उल्टा एल बना के ये भी ट्रिक है। तो अभी हमारा अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखो हमारा अलाउ का ऑप्शन से खुल जा रहा है। तो हम क्या करना है, परमिशन में जाना है, ये रहा परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है सेटिंग, ठीक है, सेटिंग में सर्च करेंगे हम रीसेट, एंड ये रहा रीसेट नेटवर्क सेटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, रीसेट ऑल डाटा, ठीक है, रीसेट ऑल डाटा कर लेते हैं, इज ऑल डाटा कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा फ़ोन रीसेट हो गए, रीस्टार्ट होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम ले लेता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये हम देखो, अब देखो वाईफाई सर्च कर रहा है, अब स्किप का ऑप्शन दबा के देखते हैं हम स्किप होता नहीं होता, क्लिक किया हमने स्किप पे, ये देखिए देख रहे हो दोस्तों हमारा फ़ोन ईजिली FRP बाईपास हो चुका है, बहुत ही ईजी मेथड था। और कैसा लगा आपको ये मेथड, आपके काम आया या नहीं आया तो ज़रूर मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने माता पिता का ख्याल रखें, और साथ में दोस्तों हमारा भी हम और भी आपकी हेल्प करते रहें जिससे कि, ठीक है, ये देखिए गेट स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिए हमारा फ़ोन ईजिली अनलॉक हो चुका है। Android 12, Android 13, कोई भी एंड्रॉयड हो वर्जन हो चेकअप कर सकते हो इमरजेंसी कॉल में जाके, और वीडियो का लिंक और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।